शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है, इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है, क्योंकि सत्य की नाव हिल सकती है पर कभी डूबती नहीं, इसलिए जितना हो सके सत्य की राह पर चलो, क्योंकि हम परमात्मा को सत्य की राह पर चलकर पा सकते हैं, छल कपट से नहीं, क्योंकि झूठ आपकी जिंदगी की नाव में ऐसा छेद है जो नाव को डुबो ही देगा। परमात्मा को हम देख नहीं सकते पर अनुभव जरूर कर सकते हैं, जिस प्रकार हमें सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है, ठीक इसी प्रकार हम ध्यान विधि और दुखियों की सेवा करके परमात्मा के होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा मेरे शिव बाबा हैं, वह मेरी ऊर्जा का स्रोत है और हर पल मेरे साथ है। दुनियादारी के झूठे रिश्ते मेरा किसी भी समय साथ छोड़ सकते हैं, पर वह अदृश्य शक्ति कभी मेरा साथ नहीं छोड़ सकती जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। परमात्मा हर समय हर पल मेरे लिए हाजिर है। इंसान को अपनी सांसों का एक पल कभी भरोसा नहीं है, पर फिर भी इंसान धोखाधड़ी और छल कपट करके धन कमाने में लगा हुआ है, जबकि पता भी है यहाँ से तो एक तिनका भी साथ जाने वाला नहीं है। अगर किसी को दान देना है तो शिक्षा का दान दे, क्योंकि शिक्षा के दान से बड़ा कोई और दान नहीं हो सकता। जीवन में चाहे कितने भी बड़ी समस्या आ जाए पर कभी बुरी परिस्थिति से परेशान मत होना, क्योंकि जिस प्रकार मक्खन के अंदर घी छिपा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार समस्या के अंदर ही समाधान भी होता है। कभी किसी को कमजोर मत समझो, जिस प्रकार एक बूंद दही की दूध से भरे हुए बर्तन को दही में बदल देती है। समय बहुत बलवान होता है और समय सबका बदलता है, जिस प्रकार दूध से मक्खन और मक्खन से दही बन जाता है और फिर इन सबके के अंदर घी छिपा हुआ होता है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा कीमत घी की होती है। इसलिए इस बात को याद रखें कि समय सबका बदलता है, भले ही थोड़ा टाइम लगता है। परमात्मा के ऊपर विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। पैसा कमाना तो आसान है पर पहचान बनाना मुश्किल है, क्योंकि पैसा तो सड़क पर बैठने वाला भिखारी भी जोड़ लेता है पर पहचान नहीं। पहचान बनाने के लिए धन के साथ साथ इंसान के अच्छे संस्कार विचारों का होना भी जरूरी है। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो आप उसको लड़ाई से नहीं जीत सकते, पर आप उसे मौन रहकर जरूर हरा सकते हैं। हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे मौन रहने में ताकत है, क्योंकि शब्द गलत हो सकते हैं पर मौन नहीं। अगर किसी को सजा देनी हो तो मौन रहकर भी दी जा सकती है। भगवान के दर्शन करने असंभव नहीं है, प्रतिदिन संभव है, क्योंकि भगवान हमें सूर्य के रूप में दर्शन देते हैं। आप दौलत को कमाकर धनवान बन सकते हो पर संस्कारी नहीं, क्योंकि संस्कार परवरिश पर निर्भर करते हैं, दौलत पर नहीं। एक माँ बच्चों को जन्म दे सकती है पर किस्मत नहीं। आप धन दौलत से बाजार से ऐसो आराम के समान सब कुछ खरीद सकते हो पर माँ बाप नहीं। औरत के लिए शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे वह बुरी परिस्थिति में किसी भी समय यूज कर सकती है। शिक्षा एक ऐसा खजाना है जिसका कोई भी भाई बहन बंटवारा नहीं करवा सकता। अपने बेटी को शिक्षा का दहेज दो, घरेलू सामान का नहीं। अपने बेटी को संस्कार दो पर मोबाइल और बाइक नहीं, क्योंकि संस्कार और शिक्षा एक ऐसा खजाना जो आपके बच्चों की जिंदगी भर काम आएगा। एक औरत केवल पैसे और कपड़ों की भी भूख ही नहीं होती, वह अपने हमसफर से प्यार, इज्जत और मान सम्मान भी चाहती है। कभी कभी हमारे जीवन में किसी व्यक्ति के विचार हमें कुछ इस तरह प्रभावित करते हैं कि हमारे जीने का तरीका ही बदल जाता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सुविचार शेयर करने जा रही हूँ जिनको पढ़ने के बाद आपको भी ज्ञान, धन और संस्कारों की बातों को जानने का अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि इंसान इस भाग दौड़ भरी दुनिया में संस्कार और भगवान को भूलता ही जा रहा है। धन कमाने के साथ हमारे संस्कारों का होना भी जरूरी है, क्योंकि धन तो हम कमा सकते हैं पर संस्कारों को हम बाजार नहीं खरीद सकते। ये सब हमें हमारी परिवेश द्वारा ही मिलते हैं, इसलिए अपने बच्चों को पालन पोषण कुछ इस तरह करें ताकि वह धन के साथ संस्कारों को भी ग्रहण करें। हमेशा खुद और अकेले चलना सीखो, कभी किसी का साथ मत ढूंढो। ईश्वर सदा मेरे साथ है ऐसा महसूस करो, उस अदृश्य शक्ति का जन्मों युगों का साथ है। बनना है तो नदी की तरह बनो, देखो नदी कैसे लगातार कार्यशील है, कभी अस्थिर नहीं रहती है। ये ना तो कभी रुकती है ना ही कभी पीछे मुड़कर देखती है,
नदी के मार्ग में कितनी ही बाधा आती है पर फिर भी यह आगे ही बढ़ती रहती है और समंदर तक पहुंच ही जाती है। जिसने अपने आप को नदी की तरह बना लिया वह कभी असफल नहीं हो सकता। सत्य कभी बुरा नहीं होता और झूठ की कोई उम्र नहीं होती। सत्य एक बार बोलना पड़ता और झूठ को बार बार बदलना पड़ता है। सत्य को छुपना नहीं पड़ता और झूठ को छुपाना पड़ता है। सच औषधि की तरह काम करता है और झूठ हमें अंदर से दिमक की तरह खा जाता है। इसलिए सदा सच का साथ दो। परमात्मा हर चीज सोच समझ कर बनाई है। इंसान के पास दो हाथ, दो आँखें, दो कान और सांस लेने नाक के दो छेद बनाए हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक न हो तो इंसान अपाहिज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी का रिश्ता बनाया है, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना ईंटों से मकान तो बना सकते हैं पर घर नहीं। परमात्मा की किसी भी रचना में कहीं भी कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने हर चीज को सोच समझ कर बनाए है। अगर पेड़ बनाए हैं तो उसकी शाखाएं कुछ ऐसे फैलाई है जो हमें फल, फूल और छाया देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार भगवान ने पुरुष और स्त्री को बनाया है ताकि दोनों मिलकर सृष्टि की रचना कर सकें। कोई भी कर्म करते समय हमें भगवान को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं पर भगवान से नहीं। लोगों के द्वारा बनाया गया इंटरनेट बंद हो सकता है पर परमात्मा का नहीं, वह हर समय ऑनलाइन है। लोग सो जाते हैं पर परमात्मा नहीं। परमात्मा का ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमें फ्री में मिलता है, बाकी तो हर जगह इंसान को अपने धन खर्च करना पड़ता है। परमात्मा का ज्ञान ही इंसान के लिए सबसे बड़ी औषधि है। इंसान चालाकी लोगों से कर सकता है पर परमात्मा से नहीं, क्योंकि हमें सुख और दुख परमात्मा नहीं देते बल्कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए जब भी जिंदगी में किसी भी प्रकार का दुख आए तो परमात्मा को दोष न दे बल्कि अपने किए हुए कर्मों को याद करें। धरती पर इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको चुगली सुनने में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है। अगर पड़ोस में लड़ाई हो रही है तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर अपने आप भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो सबको प्यारा लगता है, क्योंकि उसके अंदर तक छल कपट नहीं होता। जैसे जैसे वह बड़ा होता है फिर मैं अपने विचारों और संस्कारों की वजह से अपनी पहचान बनाता है, क्योंकि भगवान ने सबको समान रूप से सबको एक जैसा ही बनाया है। जिस प्रकार बरसात का पानी और जमीन सभी फल, फूल और पौधों को एक जैसी ही मिलती है, पर आम मीठे और नीम कड़वा ही होता है, क्योंकि यह उनके बीज के कारण ऐसा होता है। परमात्मा हम सबको जानता है पर हम सब परमात्मा को नहीं जानते। पर जो लोग परमात्मा को जान लेते हैं फिर वह किसी और को जानना नहीं चाहते।